धरोहरा की बीजेपी सांसद रेखा वर्मा विवादों में हैं। सांसद महोदय पर आरोप है कि उन्होंने स्कॉट ड्यूटी में लगे सिपाही को कार्यकर्ताओं के सामने ही थप्पड़ जड़ दिया। सांसद महोदय की इस हरकत से पुलिस वालों में उबाल का माहौल है। सांसद अपने गांव मकसूदपुर थाना पसगांव जा रही थी, इसी दौरान मोहम्मदी कोतवाली पुलिस की एक गाड़ी उनको एस्कॉर्ट कर रही थी। इस स्कॉट में शामिल सिपाही श्याम सिंह का आरोप है कि धरोहरा सांसद ने बीच रास्ते में उसको थप्पड़ जड़ दिया, साथ ही वर्दी उतरवाने की धमकी भी दे डाली। इस मामले में पुलिस कर्मी खासे नाराज हैं। पहले एक बार सुन लीजिए किस तरीके से कांस्टेबल ने अपने ऊपर आप बीती बताई है। मैंने कहा जी मैं आदेश करें, तो उन्होंने कहा कि जो है बहुत बड़े नेता बन गए हो, इतना चर्बी चढ़ गई है, तो इस तरीके से हम लोग जो है बेइज्जत करना शुरू किया। मैंने कारण पूछा तो कारण ना कोई भी कारण ना बता के सब अभद्रता की, मेरे साथ थप्पड़ मार दिया। वही अभद्रता हमारे साथ की, उन्होंने थप्पड़ मार दिया मुझे। विरोध नहीं किया मैंने, विरोध उनसे कारण पूछा, उतने में वो शीशा चढ़ाई और वापस चली गई। वहीं सांसद रेखा वर्मा का कहना है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, मोहम्मदी कोतवाली की पुलिस अवैध खनन करवा रही है और उसके इंस्पेक्टर पर कार्रवाई करने के लिए शासन को लिखा गया है। ये सब बातें पुलिस अपने बचाव के लिए कर रही है, ये पूरी घटना राजनीति से प्रेरित है। उधर मोहम्मदी के इंस्पेक्टर डी के सिंह ने बताया है कि सिपाही ने रात को ही उन्हें पूरे मामले की जानकारी दे दी थी, उन्होंने तुरंत पूरे प्रकरण के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि सांसद महोदया अवैध खनन की दुहाई दे रही हैं तो पुलिस विभाग अपने साथ ही बदसलूकी की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी अधिक वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।